Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. So students, today I will solve exercise 5.2 of chapter arithmetic progression, question number 4. Which term of the AP is 78? So students, हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म जो है वो 78 है, तो हमने मान लिया nth टर्म इज 78, यानी ए एन जो है वो स्टूडेंट्स है 78, ए इक्वल टू है 3 और डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3, यानी ए टू माइनस ए वन 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें एन की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए एन है हमारा 78, ए है 3 और एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू है 5। अब ये इसको 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, तो ये आ गया स्टूडेंट 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो स्टूडेंट्स एन माइनस 1 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 75 अपॉन 5, यानी 15 आ गई। अब स्टूडेंट्स वैल्यू हमें पता करनी थी किसकी, एन की, तो एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1, तो 16 आ गया, यानी 16 टर्म ऑफ एन ए पी इज 78। ये स्टूडेंट 16 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब इसमें भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फाइंड करने हैं, यानी एन की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ए इक्वल टू 7 है स्टूडेंट्स और डी इज इक्वल टू है 13 माइनस 7, तो ये आ गया 6। और इसका जो लास्ट टर्म है ए एन, यानी एंथ टर्म इसका है, वो है 205। तो अब इसमें हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी की वैल्यू 6 आएगी। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब इसमें ये आ जाएगा 198, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 205 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 आएगा अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 33। सो स्टूडेंट्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33, सो एन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो इसमें स्टूडेंट्स आंसर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इक्वल टू 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट भी स्टूडेंट्स सिमिलर है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, ए इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू 15.5, 50 कंप्लीट 1/2 का मतलब है 15.5 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 2.5। और ए एन इज इक्वल टू दिया है माइनस 47, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस 47 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी आ जाएगा माइनस 2.5, ये हो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2.5। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए तो ये 5 आ गया, तो ये हो गया 65 अपॉन माइनस 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 15, 25 का 26, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ स्टूडेंट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर
सिक्स, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब ये स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि -150 जो है वो इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू दिया है 11, डी इज इक्वल टू 8 - 11 यानी -3, ये आ गया -3। अब इसमें हम ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द, यानी ए एन हम ये मान लें कि ए एन की वैल्यू -150 है। अब इसमें एन की वैल्यू हम इसमें फाइंड करेंगे। अगर स्टूडेंट्स एन की वैल्यू एक होल नंबर आती है तो ये इसका कोई टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 × d। अब ए एन स्टूडेंट्स क्या है, -150 है। ए कितना हो गया आपका 11 प्लस एन -1 और डी की वैल्यू -3 है। ये -150 - 11 इक्वल टू एन -1 × -3, ये स्टूडेंट हो गया 161 अपॉन -3 इज इक्वल टू एन -1, ये इससे कैंसिल कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा, यानी एन -1 की वैल्यू आएगी 3 × 5 = 15 + 11 = 9, तो ये आ गई 53.6। तो एन की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 53.6 + 1 यानी 54.6। सो द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट अ होल नंबर। स्टूडेंट्स क्या है कि जो एन की वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है। सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो स्टूडेंट्स इस एपी का ये कोई भी टर्म नहीं होगा। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो स्टूडेंट्स हमें इसका 31st टर्म ये फाइंड करना है। 31st टर्म का मतलब है ए 31 हमें जो है फाइंड करना है, और इसका 11th टर्म यानी ए 11 दिया है 38, और 16 यानी ए 16 दिया है 73। तो स्टूडेंट्स इससे ए 11 से क्या पता चलता है कि एन की वैल्यू 11 है और यहाँ एन की वैल्यू 16 है। तो स्टूडेंट्स ए 11 इज इक्वल टू क्या होगा, ए 1 + 10 d। ये हमने कल आपको पहले बताया था कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 × d, यानी एक उसमें से टर्म यहाँ एक कम हो जाएगा। अगर यहाँ 11 टर्म है तो यहाँ 10 d आएगा। अब स्टूडेंट्स ए 11 की वैल्यू दी है 38, ये हो गया ए 1 + 10 d। सिमिलरली क्या होगा, ए 16 इज इक्वल टू हो जाएगा ए 1 + 15 d। अब स्टूडेंट्स ए 16 की वैल्यू दी गई है 73, तो ये हो गया ए 1 + 15 d। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये हो जाएगा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 73 इज इक्वल टू ए 1 + 15 d एंड 38 इज इक्वल टू क्या होगा, ए 1 + 10 d। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए ए 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर 13 में से 8 गया तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 3 गए 3 आ जाएंगे, और यहाँ पर आ गया आपका 5 d। स्टूडेंट्स तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 35/5 हो जाएगा, तो ये 7 आ गया आपकी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई स्टूडेंट्स। अब डी की वैल्यू जब 7 आ गई तो इसमें किसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में स्टूडेंट्स क्या थी इक्वेशन हमारी,
38 is equal to a1 plus 10 into 7. तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a1। ये आ गया स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 10 में से 8 गए तो 2 आ जाएगा, 6 में से तो ये आ जाएगी 32 आ गई स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 32 और d की वैल्यू ये है 7। अब स्टूडेंट्स हमें a31 इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो a31 इज इक्वल टू a1 प्लस 30d आ जाएगा। a1 हमारा माइनस 32 है और d की वैल्यू हमारी आई थी 7, तो ये हो गया माइनस 32 प्लस 210। अब इसमें से 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और 10 में से 3 गए तो ये 7 आ जाएगा। तो 178 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है।